हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन से पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या कह रहा है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, हमें परचेज को फाइंड आउट करना है। आप सबने बचपन से ये चीज़ें पढ़ी है, तो फिर भी मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आखिर ऐसा होता क्यों है? रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है? आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कंजम्पशन किया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास 10 kg रॉ मटेरियल था एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। मैंने 100 kg का रॉ मटेरियल और परचेज कर दिया और मेरे पास स्टॉक में 20 kg का रॉ मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है। तो आप इससे इंडिकेट आपको क्या लग रहा है, मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया था? 110 kg, जिसमें से 20 kg अभी और पड़ा हुआ है। यानी मेरे पास 90 kg का रॉ मटेरियल मैंने क्या किया, प्रोडक्शन में कंज्यूम कर लिया। इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हुआ, इतना रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन के में कंज्यूम कर लिया। तो होप्स आपको फॉर्मूला समझ में आया हो। अब इससे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल परचेज। तो रॉ मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, हमें बस ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 3000, प्लस परचेज कितना दे रखा है नहीं दे रखा है, माइनस क्लोजिंग कितना दे रखा है 26500, और यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है 26500। अब आप देख सकते हो एक मिसिंग फिगर है, बाकी सारे फिगर्स आपको दिए हुए हैं, तो आप मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक 4500। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे फिगर्स को एक साइड लेके आएंगे, 26500 अब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू एक्स। एक्स हमारा क्या आ जाएगा, परचेज, जो कि कितना हो जाएगा ₹28,000। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोलता है, प्राइम कॉस्ट हमें दे रखा है। आपको पता है प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप तीनों को एग्रीगेट करते हो तो आपका प्राइम कॉस्ट होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कारपेंटर वाला, याद करना एग्जाम्पल, उसमें वुड आपके लिए डायरेक्ट मेटेरियल था, ब्लॉक ऑफ वुड्स थे। मेटल का भी एक मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें मेटल्स की सीट आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया, और जो पर्सन वो कारपेंटर जो लकड़ी को टेबल में कन्वर्ट कर रहा है वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर हो गया था। सेम लाइक दिस, जो पर्सन वो वेल्डिंग कर रहा था मेटल का टेबल बनाने के लिए वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर था। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसी कंपनी, नीलकमल का मैंने एग्जाम्पल लिया था, नीलकमल को हम पे करते हैं रॉयल्टी, वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्ट। तो इन तीनों को इंक्लूड किया तो आपका क्या पास आ गया, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ चुका है। आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है 1500, फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ द डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी खर्चे फैक्ट्री के अंदर होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। ये आएगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, हमें प्राइम कॉस्ट दे रखा 33,500 एंड फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताया, एक तो हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 1500 का, ये हम डेप्रिसिएशन कर देंगे। एंड फैक्ट्री रेंट कितना है, 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 200% ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब कितना हो गया 3000, ये कितना हो गया हमारे पास 38,000 फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, बहुत ईजी है, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ सेल हमने दे रखा है 37,416
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमने 600 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में हम देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हमें सेल दे रखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जब आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे आओगे, जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो एडमिन ओवरहेड जब आप ऐड करते हो तो आपके क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है यहाँ एडमिन ओवरहेड के बाद। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है कॉस्ट, COGS इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मेरे पास आता है। देन हम इसमें ऐड क्या करते हैं, सेलिंग का एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करते हैं, यानी सेलिंग ओवरहेड हम इसमें ऐड करते हैं, तो मेरे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है 37,416 और आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 600 दे रखा है एंड आपको अलग से एक एक्सपेंसेस दे रखा है 50% ऑफ एडवर्टीज डिस्काउंट ऑन सेल, और यहाँ पे एक डिस्काउंट ऑन सेल दे रखा है, ये भी इसी का पार्ट बन जाएगा डिस्काउंट, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, यानी अगर मैं 37,416 में से अगर हम 900 में माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36,516। अब यहाँ पे 36,516 को आप रख दोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से आप यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। तो आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था किस तरीके से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है, फिर वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, फिर एडमिन डिपार्टमेंट का बीच में इन्वॉल्वमेंट आता है, देन वो एडमिन डिपार्टमेंट के बाद वो प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है और सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल्स करते हैं, सेम लाइक दिस कॉस्ट शीट भी इसी तरीके से चलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, फैक्ट्री कॉस्ट इज 3,95,000, फाइंड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.31% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, आपको फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या बोलता है कि 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो बस जस्ट आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है फैक्ट्री कॉस्ट का 7.35%, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया। और जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जब आप ऐड करते हो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे देखो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट रखा है, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट होता क्या और नेट फैक्ट्री कॉस्ट होता क्या, ये भी मैं आपको बता दूँ। जैसे जब आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हो, आपने पहले क्या किया, प्राइम कॉस्ट लिया, प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये जो आपकी आई इसको हम बोलते हैं ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग ऑफ WIP, तो ये जो आपकी आती है इसको बोलते हैं हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट 58,000, लो भाई ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट 58,000 का आ गया मेरे पास ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे दिया यहाँ पे 54,000, ये भी हमने लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है 8,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में फाइंड आउट करना है, तो देखो 58,000 प्लस 8,000 को आप ऐड करो, 58,000 प्लस 8,000 ये हो गया हमारे पास 66,000, यहाँ पे मैंने साइड में लिख लिया। अब देखो आपको आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है 54,000, यानी आप 66 में से अगर 54 को माइनस कर दोगे तो कितना आता है 12,000। अगर आप यहाँ पे 12,000 अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो मैंने कॉस्ट शीट को बस याद कर रखा है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को मैंने बस समझ रखा है, उस तरीके से मैंने सारे कैलकुलेशन कर दूंगा, एक भी
कॉन्सेप्ट आपको रट्टा नहीं मारना करना, बस आपको कॉस्ट शीट अपने दिमाग में रखना है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ देखा है प्राइम कॉस्ट इज रुपीज 41,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर। दो टाइप के लेबर से, एक स्किल लेबर है एंड एक अनस्किल लेबर है। वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। देखो वेरिएबल वर्क ओवरहेड क्या है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट लेबर दोनों सेम ही चीजें होती है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने इसको दो पार्ट में अलग अलग करके आपको दिखाया है कि आपके अंदर जो डायरेक्ट लेबर है या फिर डायरेक्ट वेजेज बोल लो, उसमें स्किल लेबर भी है और अनस्किल लेबर भी है। एंड फिक्स वर्क ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ये 60% है और वो 100% है। सेल ऑफ स्क्रैप 1800 है, फाइंड आउट द वर्क कॉस्ट। और देखो वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास प्राइम कॉस्ट इन्होंने दे रखा है, प्राइम कॉस्ट हमें कितना मिल रखा है 41,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में ना इन्होंने दो पार्ट बना रखा है, एक तो हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है और एक फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। तो वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं हमारे पास, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट वेजेज कितने हैं, 6,000 प्लस 2,000 8,000 हो गया। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 60%, यानी 8,000 का 60% आप कर लो, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, यानी 4,800 हो गए आपके पास फिक्स ओवरहेड। अब इन दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से एक माइनस भी करना है हमें, स्क्रैप को माइनस करना है। स्क्रैप हमारे पास कितना है, 1800 को आप माइनस कर दो, तो ये जो आपके पास फिगर आ जाएगा 41,000 प्लस 8,000 प्लस 4,800 माइनस 1800, तो 52,000 का आ गया आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे।